Welcome to this video of Math Magic Standard 5. This is the fourth part of the video for Chapter 4, Parts and Wholes. And today we are going to solve question 14 onward. Let's start. In question 14, it is says that solve the following. Means here there are problems given. 1. Sonal has to travel 1 integer 1 upon 2 kilometer to reach school. How much total distance does she travel to go to school and coming back to home from school? भाई यहाँ पर सोनल की बात है. सोनल जब घर से स्कूल जाती है तो उसे 1 integer 1 upon 2 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है. हमें पूछा गया है कि वो घर से स्कूल और स्कूल से घर वापस आती है तो कितना किलोमीटर ट्रैवल किया होगा. चलो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं. यहाँ पर क्या लिखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल इज इक्वल टू 1 इंटीजर 1 अपॉन 2 किलोमीटर. भाई आगे हमने सीखा है वैसे यहां पर हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं. किस चीज में, देखो यहां पर ही लिखते हैं बाजू में. तो हमें 2 1 जा 2 करना है और 1 ऐड करना है. 2 1 जा 2 एंड 1 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 किलोमीटर. भाई ये तो हुआ. यहां पर देखो ये है होम और ये है स्कूल, बराबर बड़ी सी स्कूल है बराबर. तो यहां से स्कूल जाने में 3 अपॉन 2 किलोमीटर होता है और वापस आने में और 3/2 होता है. यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ वो फाइंड करना है तो 3/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो चलो तो हम लिखते हैं देयरफॉर टोटल टोटल डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल एंड कमिंग बैक इज इक्वल टू 2 × 3/2. भाई ऐसे किया 2 × 3/2, तो ये 2 के डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 2 न्यूमरेटर में है और ये 3/2 में 2 डेनोमिनेटर में है. ये 2 कट हो जाएगा. 2 × 2 कुछ भी नहीं बचेगा, ओनली 3 × 3. सो हमारा आंसर आ गया 3 किलोमीटर. ठीक है, ये लिखना ही इंपॉर्टेंट है. देखो हमने पहले लिखा डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल इज इक्वल टू 1 integer 1/2, इसका मतलब है 3/2 किलोमीटर. भाई होम टू स्कूल और स्कूल टू होम बैक, तो 3/2 जाने में 3/2 आने में. सो यहां पर हमने लिखा टोटल डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल एंड कमिंग बैक इज इक्वल टू 2 × 3/2 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. नाउ क्वेश्चन 2. भावना बॉट अ पेंसिल एंड एन इरेजर फॉर ₹8.50 means 8 rupees 50 paisa. She gave ₹10 to the shopkeeper. भाई उसने 10 रुपीज शॉपकीपर को दिए. द शॉपकीपर गेव बैक द कॉइन्स ऑफ 50 paisa. भाई शॉपकीपर ने बाकी का रिटर्न जो देना था वो 50 paise में दिया. हाउ मेनी कॉइन्स डिड सी रिसीव. तो भाई भावना को कितने कॉइन वापस मिले होंगे. तो चलो हमें यहां पर कुछ लिखना पड़ेगा.
So here I have written amount Bhavna gave. भाई भावना ने कितने रुपीस दिए? तो 10 rupees. 10 के बाद और कुछ नहीं है. सो 10.0 हम लिख सकते हैं. 00 लिख दिया. एक्चुअल एक्सपेंसेस, भाई खर्च कितना हुआ था? 8.50 rupees. सो हमें ऐसे लिखना है 8.50 rupees. माइनस करो अब. बराबर 10 rupees भावना ने दिए शॉपकीपर को. 8.50 rupees ही लेने थे, तो बाकी का पैसा वापस देना पड़ेगा. तो कितना पैसा? सो 0 माइनस 0 0. अब भाई यहां से तो 0 माइनस 5 नहीं हो सकता, तो हमें बाजू में से बोरो करना पड़ेगा. पर इसके पास भी नहीं है, तो हमें यहां से बोरो करना पड़ेगा. ये हम सीख चुके हैं. 1 को काटेंगे तो यहाँ 0 बचेगा. यहाँ पर लिखना पड़ेगा 9 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10. ये हम सीख चुके हैं. तो चलो 10 माइनस 5 कितना होगा? 5 हो गया ना. 9 माइनस 8 करेंगे तो 1. तो भाई आंसर हमें मिल गया. शॉपकीपर हैज टू रिटर्न 1.50 rupees. बराबर 1.50 rupees. हम यहां पर लिखते हैं रुपीस, रुपीस और रुपीस. ओके 1.50 rupees शॉपकीपर कैसे देता है? तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं. देखो रुपीस 1.50, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रुपीज 1 प्लस रुपीज थोड़ी लिखेंगे आप 50 paisa. बराबर 1 rupees प्लस 50 paisa. अब आपको मालूम है कि 1 rupees में 50 paise के कितने कॉइन आते हैं. 1 rupees में 50 paise के 2 coin आते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए. बराबर कैसे मालूम होगा? क्योंकि ये आप टेक्स्ट बुक में सीखे हो. सीखे हो कि नहीं? चलो तो हम यहां पर लिखते हैं 2 multiply by 50 paisa प्लस, ये तो और एक 50 paisa है ही. तो 50 paise के कितने कॉइन हुए? 3. 2 50 paise के कॉइन और ये 1 coin. सो 3 coin हो गए. 3 50 paisa. सो हम ऐसे कहेंगे कि फाइनल आंसर यहां पर लिखते हैं कि 3 coins ऑफ 50 paise. चलो तो आपको भी ऐसे समझना है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन 3 क्या कहा है? क्वेश्चन 3 में रीड करो. देयर वॉज एन अनाउंसमेंट एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन दैट ओखा एर्नाकुलम एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है ओखा एर्नाकुलम एक्सप्रेस, इज नाउ रनिंग लेट बाय हाफ एन आवर. भाई वो हाफ आवर से लेट चल रही है. बराबर इफ द राइट टाइम इज 12:45 व्हाट टाइम इज द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम एट अहमदाबाद. तो भाई कौन से टाइम से वो अहमदाबाद के स्टेशन पे आएगी? चलो तो हमें यहां पर भी लिखना है. क्या लिखना है? सबसे पहले तो यहां पर कहा है रनिंग लेट हाफ एन आवर. भाई हाफ एन आवर का मतलब क्या है? हाफ आवर इज इक्वल टू 30 minutes. राइट टाइम इज 12:45. ओके सो हम यहां पर लिखते हैं
राइट टाइम क्या है? राइट टाइम 12 आवर 45 मिनट, ये ऊपर एच और मिनट भी हम लिखते हैं। चलो ओके, अब क्या लिखते हैं? ये 30 मिनट्स लेट है, तो लेट का मतलब डिले, बराबर डिले। तो उसमें आवर्स नहीं है, सिर्फ मिनट्स है, तो आवर्स में हम लिखेंगे 00 और यहां पर 30। चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यहाँ पर 12:45 ये राइट टाइम और डिले बाय 30 मिनट्स, इसका मतलब है कि राइट टाइम से 30 मिनट्स और ज्यादा होगा, इसीलिए हमें ये ऐड करना पड़ेगा। प्लस 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1। 12:45 की जगह पर 12:75 आंसर आया भाई, 12:45 की जगह पे 12:75 75 तो होता ही नहीं है, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू मैक्सिमम 60 मिनट्स होती है, बराबर। तो हमें यहाँ पर एक चीज करनी पड़ेगी, ये ऐड तो कर लिया पर ये नॉर्मल हमारा एडिशन है, वैसे नहीं होगा। तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, देखो 12 आवर 75 मिनट, ओके, सो इज इक्वल टू 12 आवर प्लस 60 मिनट प्लस 15 मिनट। भाई 75 का मतलब 60 मिनट प्लस 15 मिनट। अब 12 आवर 60 मिनट का मतलब 1 आवर और ज्यादा होगा, 1 आवर प्लस 15 मिनट। अब आपको और भी एक चीज समझनी है भाई, 12 आवर के अंदर 1 ऐड करोगे तो 13 आवर होगा, 13 आवर का मतलब ही होता है 13 आवर 15 मिनट। 13 का मतलब क्या होता है? 13 का मतलब होता है 1 राइट। 13 का मतलब क्या होता है? 1। पर हम यहां पर नहीं लिखेंगे ये, क्योंकि हमें ये बताया नहीं है कि ये दिन का टाइम है या रात का टाइम है, तो हम 13 आवर 15 मिनट्स ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर। वरना अगर लिखना चाहते तो हम लिख सकते, 13 का मतलब 12 के बाद 1 आवर होता है, तो 1 हो जाता है ना, तो 1 आवर 15 मिनट। तो हम कहेंगे 1:15, 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। 12:75, इसके बाद आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। चलो तो हमें 2 आंसर्स मिले, 13 आवर 15 मिनट या फिर 1 आवर 15 मिनट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ ऑन पेज नंबर 60 दर इज क्वेश्चन ए, धारा विल गेट ऑफ एट सूरत स्टेशन आफ्टर 4 इंटीजर 1/2 आवर्स फ्रॉम दिस स्टेशन, एट व्हाट टाइम विल सी गेट ऑफ। भाई ये जो पिछले पेज पे जो ट्रेन की बात की थी वही यहाँ पर कंटिन्यू है भाई, धारा भी वही ट्रेन में बैठती है और सूरत पे उतर जाती है, अहमदाबाद पर बैठती है, सूरत में उतर जाती है 4.5 आवर बाद। सो हमें यहाँ पर फाइंड करना है एट व्हाट टाइम विल सी गेट ऑफ। तो चलो हम लिखते हैं, देखो मैंने आपके लिए कुछ लिख के तैयार रखा है। ट्रेन अराइव्ड एट अहमदाबाद, भाई अहमदाबाद पे ट्रेन कितने बजे आती आती है, वो 1/2 आवर लेट थी ना, तो 1:15, 12:45 टाइम था मगर 1/2 आवर लेट हो गई, तो 1:15 को वो अहमदाबाद पे आएगी ट्रेन।
Dara get off Surat after 4.5 hours. 4.5 का मतलब है 4 hours 30 minutes. ठीक है, तो चलो हमें ये 1 hour 15 minute में 4 hour 30 minute ऐड करनी है. हम यहाँ पर करते हैं, देखो लिखते हैं 1 hour 15 minute प्लस 4 hour 30 minute. ऐड करो 5 + 0 = 5, 1 + 3 = 4, 1 + 4 = 5, 5:45. बराबर, वो शाम को 5:45 को सूरत पहुंचेगी. तो हमने यहाँ पर लिखा दारा विल गेट ऑफ एट 5:45. हो गया ये तो. चलो आगे चलते हैं. नाउ क्वेश्चन बी, शिल्पा विल टेक 9 hours and 30 minutes टू रीच पनवेल. एट व्हाट टाइम विल सी रीच देयर. भाई शिल्पा को 9 hours 30 minutes लगते हैं पनवेल पहुंचने में. व्हाट टाइम विल सी रीच देयर, कितने बजे वो पनवेल पहुंचेगी. चलो तो यहाँ पर भी लिखते हैं. चलिए तो यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रेन अराइव्स एट अहमदाबाद. कितने बजे अहमदाबाद आती है, 1:15 को. 30 मिनट लेट है ना. टाइम टू रीच पनवेल, पनवेल कितने टाइम में पहुंचती है, 9 hours 30 minutes. तो हम लिखते हैं 9 hours 30 minutes. भाई ये है अहमदाबाद का टाइम और ये है टोटल आवर्स टू रीच पनवेल, तो हमें ये प्लस करना है. तो 5 + 0 करेंगे तो 5, 1 + 3 करेंगे तो 4, 1 + 9 करेंगे तो 10. तो ये हुआ 10:45. तो हमारा आंसर आ गया शिल्पा विल रीच पनवेल एट 10:45. अगर वो शिल्पा दोपहर में 1:15 को अहमदाबाद से स्टार्ट करेगी तो 9 hours 30 minutes के बाद यानी कि 10:45 पे पनवेल पहुंचेगी. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. सारे सम्स हो गए, अब है टेस्ट योरसेल्फ. भाई टेस्ट योरसेल्फ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स. सो क्वेश्चन 1, इफ अ फिगर इज डिवाइडेड इनटू 2 equal parts, ईच पार्ट इज कॉल्ड हाउ मच. 2/3, 1/2, 1/3, 1/4. दैट इज सो सिंपल भाई. ये अगर एक चॉकलेट है और इसे बराबर बीच में से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी होगी, 2 parts में से 1 part, और ये भी 2 parts में से 1 part यानी हाफ. ये रहा ऑप्शन बी, हमारा आंसर है बी. चलो फिर है क्वेश्चन 2, द कॉस्ट ऑफ 1 kg potato इज ₹16. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1.5 kg ऑफ पोटेटोज. भाई 1 kg potato ₹16 का है बराबर, तो हाफ के जी, 1.5 kg का क्या कितना होगा. तो देखो यहां पर ही मैं दिखा देता हूं 1.5 kg. इसका मतलब यह है कि 1 kg + 1/2 kg. ठीक है ना, 1 kg की प्राइस तो 16 दी है, नीचे लिखते हैं. और भाई 1 kg की 16 है तो 1/2 kg की 8 होनी चाहिए. 16 + 8 करोगे तो आंसर आएगा 24. तो ये रहा आंसर 24. हमें लिखना है डी, 24 नहीं लिखना है भाई, डी लिखना है. चलो तो क्वेश्चन 2 भी हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन 3. द शेडेड पार्ट इज ब्लैंक पार्ट ऑफ द गिवन फिगर. भाई यहाँ पर एक फिगर दिया है, कुछ पार्ट शेडेड है. देखो एक बड़ा सा स्क्वायर है, यहाँ पर ये 4 parts है और ये वर्टिकल भी 4 parts है, यानी कि टोटल पार्ट है 16. तो हम लिख देते हैं ऐसे 16. 16 में से शेडेड पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. भाई
8 अपॉन 16 आंसर आना चाहिए, पर यहाँ पर 8 अपॉन 16 नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये 8 अपॉन 16 को शॉर्ट किया गया है। कैसे करेंगे, डिवाइड करते हैं। चलो 8 1 8 8 2 16, तो आंसर हमारा आएगा 1/2। भाई वैसे भी टोटल 16 पार्ट है, 8 पार्ट में शेडेड है, यानी कि एग्जैक्टली हाफ पार्ट शेडेड है, यही तो आया 1/2। हमारा आंसर है ये ए। चलो हो गया, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच इज द 1/3 पार्ट ऑफ 30। भाई किसी का भी कोई भी पार्ट फाइंड करना है तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे। भाई 30 का 1/3 यानी 30 × 1/3, 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30, सो आंसर आएगा 10। ये रहा सी, लिख दिया हमने सी। चलिए अब है क्वेश्चन 5, द क्लॉक शोज 7 o'clock राइट नाउ। भाई अभी क्लॉक में 7 o'clock है, वॉट टाइम विल इट शो आफ्टर 1.5 hour। भाई 1.5 hour, देखो 1.5 hour इसका मतलब है 1 hour 30 minutes, बराबर। चलो अभी 7 o'clock है तो ये रहा 7 o'clock, बराबर। इसमें 1 hour 30 minutes ऐड करो तो 1 hour 30 minutes को ऐड कर लिया, आंसर क्या आएगा, 0 + 0 = 0, 0 + 3 = 3, 7 + 1 = 8, 8 बजकर 30 मिनट होनी चाहिए, ठीक है 8 बजकर 30 मिनट, ये रहा ऑप्शन बी। चलो हो गया। चलिए तो यहां पर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कर लिए, ठीक है। वैसे तो अब चैप्टर की सारी एक्सरसाइज खत्म हो गई, ठीक है। आपको अब करना है होमवर्क। देखिए सामने पेज नंबर 61, बराबर 61 पर कुछ एक्टिविटीज दी हुई है। ये एक्टिविटीज तो जब आप स्कूल में आओगे तब हम देखेंगे, पर यहाँ नीचे से आपके लिए होमवर्क स्टार्ट होता है, बराबर। अगर आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है तो ये सारा होमवर्क आपको करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। पीछे भी एक पेज है, देखो ये रहा, बराबर। ये सारा होमवर्क आपको खुद करना है, बराबर। बहुत मजा आएगा, इजी है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बराबर। चलो तो ये सारा होमवर्क आपको कर लेना है, एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नए वीडियो में नए चैप्टर की नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।